लव इज एक अजीब सी बीमारी एंड इसी बीमारी की वजह से अजहर वॉज हियर। डायना, आई थिंक आपकी रिपोर्टर काफी बिजी है आज। मेरे रिपोर्टर्स गॉड का कॉल इग्नोर कर सकते हैं लेकिन मेरा नहीं। डायना, आपके ऑफिस में एक रिपोर्टर है, मैं उससे काफी इंप्रेस्ड हूँ। मेरे अलावा तुम और किससे इंप्रेस्ड हो? जिया सेन, जिसने मेरी और साइशा कपूर की स्टोरी लिखी थी। जिया सेन? इनफैक्ट हेलो, हाय, आप कहाँ हैं? वेल, मुंबई मसाला का ऑफिस कहाँ पे है तो आपको पता ही होगा। दैट्स सो सैड, क्योंकि एक्चुअली ना मैं आपके घर के बाहर हूँ। व्हाट? या आपके गिफ्ट्स आए थे तो उसके लिए थैंक यू बोलना था मुझे, तो मैंने सोचा आपके घर आके सरप्राइज दे दूं। हे, होल्ड दैट थॉट, होल्ड दैट थॉट, ठीक है, वहां से हिलना मत, आई विल बी देयर, ओके? डायना, आई हैव टू लीव यार, सम इंपॉर्टेंट वर्क, राइट? लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में एक स्मॉल हिंट तो देते जाओ, मतलब कहां से है, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, मुंबई, दिल्ली, कहां से है? आउट ऑफ द वर्ल्ड, वहां से। इस लव की बीमारी का बेस्ट इलाज इज द कॉन्स्टेंट डोज ऑफ प्यार भरी बातें, जहां हम एक दूसरे को बता सकें कि लाइफ तुम्हारे बिना इज इनकम्प्लीट। बट मेरे लिए ये लव डोज भी मुश्किल था क्योंकि साहिर मुझसे दूर था। खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियां तेरी मेरी, खामोशियां, बताओ मुझे क्या हुआ? Tell me. गुरु, of all the people in the world, गुरु, उसने ऐसे बोला? यार, I'm feeling such a combo of sad and angry. It's like, oh, like makes angry. Yeah. Life is so weird, you know, Rev. I mean, वहाँ गुरु तुम्हें एक fake image portray करने को कह रहा है, और यहाँ पे मुझे साहिर के लिए एक fake romantic image बनानी है। पर मुंबई, city of dreams से fake city कैसे बन गई यार? No, मुंबई ने, यहाँ के लोग fake हैं। Look at Megha. That. Babe, work call. I really have to go. I'll see you in the evening. Bye. What? What? Oh. Yeah. Oh my God. Come. wait. Everything happens for a reason. At least मेरी कॉफी मुच्छी ने तुम्हें हंसा दिया। True that. Bye.
है ना, आप अंदर भी मेरा वेट कर सकती हैं। आप ही ने कहा था ना कि वहां से हिलना मत। डॉग? नो थैंक यू, आई एम फाइन। तो फिर अंदर चले? आप खुद अंदर चलेंगे या कोई आपके लिए एक पैर ऑफ लेग्स लाएगा अंदर जाने के लिए? टाल्स नहीं चाहिए, पानी नहीं पीना है, अंदर भी नहीं चलना है। आप चाहती क्या? डेफिनेटली नॉट दिस। एसेंस आपका इशू क्या? इशू ये है कि आपको होगी रॉयल्टी की हैबिट, बट मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। आप वो गिफ्ट्स को लेकर परेशान है ना, दैट्स व्हाई यू आर अपसेट विद मी। यस, गिफ्ट्स की बात को लेकर भी और वो पुलिस स्टेशन वाले इंसिडेंट को लेकर भी। I don't understand one thing, police station के incident पे upset होना, that's fine, लेकिन अब मैं इस बात पे sorry बोल रहा हूँ, उस बात पे भी मुझसे upset हो? That's because आपका sorry sweet, simple, normal सा नहीं था ना। I don't understand आपको हर चीज़ इतनी elaborate करने की क्या ज़रूरत है? See what I mean? आपकी life में कुछ भी normal नहीं है। वैसे अगर मैं चाहूँगा भी ना तो भी मैं normal life नहीं जी सकता हूँ। Candles हो जाएंगे, stories छप जाएंगी। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मेरे पास भी काफी रीजंस हैं आपसे अपसेट होने के। मुझसे अपसेट होने के? आप मुझसे अपसेट कैसे हो सकते हैं? जैसे आप मुझसे अपसेट हो सकती हैं। लेकिन मैंने किया क्या है? आप मुंबई मसाला के लिए काम करती हैं। रिसेंटली आप भी नोटिसिंग मेरी सारी की सारी स्टोरीज वहीं छपती हैं। फोटोज आती हैं लेकिन उसमें बैक आप की होती है। इस बात की क्या गारंटी कि मेरी स्टोरीज आप लीक नहीं कर रही? आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? क्या आप मुझ पर करती हैं ट्रस्ट? जिया के पास इस लव की बीमारी की एक ही मेडिसिन है, इग्नोरेंस, जो समहाउ वर्क भी कर जाती है। आई विश मेरे पास भी अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड करने के लिए कोई मेडिसिन होती। अरे ईशा, ईशा वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स के लिए काफी सारी एंट्रीज आई है शहर के ऑपोजिट में। लेट्स स्टार्ट। हाय, माय नेम इज कॉरल। आई एम लॉस्ट इन द व्हेन आई थिंक अबाउट यू। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाय हाय, आई एम शिवांगी चंद्रा एंड आई एम गोइंग टू सिंग चुरा लिया है तुमने। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। नेक्स्ट। ईशा को कितना अच्छा गा रही थी। नॉट फॉर साहिर। अरे बट शी इज अ नेचुरल, दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। नो आशिमा, वो साहिर के साथ नहीं अच्छी लगेगी। एक मिनट। नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने अपनी आईटी या मैनेजमेंट जॉब को क्रिटिसाइज किया तो आई एम गोइंग टू लूज इट। किस जॉब में अपने बॉयफ्रेंड के लिए नेक्स्ट गर्लफ्रेंड ढूंढनी पड़ती है? सिर्फ ईशा जयसिंह की ड्रीम जॉब में, ईशा जयसिंह की ड्रीम सिटी में। गॉड, लाइफ सक्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? This is horrible. What do you mean horrible, yaar? Like, India में इतनी सारी अच्छी-अच्छी female singers हैं। अच्छी तो है, लेकिन मैं साहिर के लिए ढूंढ रही हूँ। किसी mediocre के साथ डालूंगी तो वो इतना stupid लगेगा। I need the best. ये कहते हैं ना true love, अपनी image से ज़्यादा अपनी boyfriend की image की tension है। यार, listen, please मेरे को बताओ ये test में क्या होने वाला है? बा कुछ नहीं आ रही, don't worry, simple सा PCOD test है, okay? पहले ना तुझे बिस्तर पे ले जाएंगे, लेटाएंगे, ठीक है? फिर एक बड़ा सा इंजेक्शन लेके तेरे इंजेक्शन, उसके बाद वो यूजली आई थिंक एक बड़ा सा
बड़ा सा रॉड लेते हैं एंड देन दे जस्ट तेरा ना ये रेवनाथ वाला एटीट्यूड ना घर पे ही चलता है, बाहर यार हार्टलेस लोग हो यार तुम दोनों. बेबी सो एंग्री. आई होप साहिर को ना एक सेक्सी सी सिंगर मिल जाए और अजहर को तेरा सीक्रेट. नो 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 प्लीज यार ऐसे मत बोल, पता है आज मैं बचते बचते फंसी हूँ. फंसते फंसते बची हूँ, मैंने कट माई पॉइंट. डिटेल्स मिसेन आपने बताया नहीं मुझे कि आप मुझे ट्रस्ट करती हैं नहीं. आपने भी तो नहीं बताया कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं. नॉट दिस टाइम, इस बार आपको पहले बताना. अगर मैं कहूं कि मैं आप पर ट्रस्ट करती हूं तो फिर सब कुछ ट्रूथफुली बताना मेरा फर्ज होगा. आप काफी हैवी वर्ड यूज कर रहे हैं. सिचुएशन इतनी हैवी है तो वर्ड्स भी तो हैवी होंगे. एंड ऑनेस्टली मैं आपको ट्रस्ट नहीं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूं. Nice. Dude, he's so into you. तुम बेकार में उसे avoid क्यों करती हो? तो अपनी love story पे concentrate करना. You should be telling me अपने काम पर concentrate कर. I miss him so much. मैं उसके लिए लड़की नहीं ढूंढ पाऊंगी. I need a hug. Hi, puppy. You guys are disgusting. Oh. I miss him so much. Hey, wait, injection लगाना चल. Yeah, चल. चल. Injection चल. PCOD. मैं तुझसे नहीं डर. आई एम गोइंग टू किक योर बट. पी फॉर पसेंग. सी फॉर कैट. ओ फॉर ए. ओ फॉर ऑन. बी फॉर डिस्प्ले. पसी कैट ऑन डिस्प्ले. पसी कैट ऑन डिस्प्ले. पीसीओडी पसी कैट ऑन डिस्प्ले. ईशा तो साहिर से बात हुई तुम्हारी? हाँ की ना मैंने और जिया ने की. इनफैक्ट हम दोनों तो उसे एयरपोर्ट भी छोड़ने गए. या थैंक्स फॉर द कंसर्न मेघा, बट डोंट वरी ईशा और साहिर दे विल पैच अप सून. डोंट कंसीडर ईशा यार, तू साहिर को अभी फोन लगा. आई थिंक यू शुड. करेक्ट काम के लिए देर नहीं लगाते. अब हाँ पर वहाँ पे बहुत अर्ली होगा सुबह. तो सो रहा होगा रे. यू हैव टू कॉल हिम. फोन लगा उसे. कॉल हिम. ओके. हेलो. हाय. हाय साहिर. हाँ. फ्लाइट कैसी थी तुम्हारी? ओके. और फ्लाइट का खाना? ओके था. I miss you. एक वीक पहले मैं ये I miss you सुनने के लिए कुछ भी कर सकता था. But now I don't feel anything. Maybe, but मैं डरता हूँ. मैं तुम्हारी और एक स्टेप और लेता हूँ और तुम मुझ पर नो ट्रस्ट का बॉम्ब थ्रो करती हो. I can't deal with this. But I miss you every day. I won't lie, Isha. I miss you too. शायद मैंने रियलाइज कर लिया है कि हम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है. Love.
ईश, it's not a love. ऐसा कुछ नहीं है, बस इस I realized मैं लवसिक थी और लवसिक रहना चाहती थी, बट साहिर ने अपना डिसीजन ले लिया था. He was out of love. और उसको वापस लाने के लिए I could do nothing. कुछ बात करनी थी. ईश, ईश. जब भी हम हॉरर मूवी देखेंगे ना, तुझे बहुत याद करेंगे, तुझे भूत मिस करेंगे. कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आई रियली ट्राइड कि मैं तुम तीनों की फ्रेंडशिप तोड़ दूं, बट हैट्स ऑफ. तू मजाक कर रही है, राइट? नो, आई नो कि मुझ में इश्यूज है, मैं लेट गो नहीं कर सकती, बट वो इशू तो हम सब में है. वी कांट लेट गो, फिर चाहे वो दोस्ती हो या प्यार. ये प्यार ना एक रोल बीमारी है, जिसको एक बार लग जाती है ना, कभी भी वापस आ सकती है, और इसका कोई क्योर भी नहीं है. मैं ये बिलीव करने के लिए रेडी नहीं थी कि जिस साहिर को मैं बचपन से जानती हूँ हैज मूव्ड ऑन, और अब वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा मेरे पास. एंड नाउ दैट हिज हार्ट बिलोंग्स टू ईशा, I'm glad कि finally उसे भी यही बीमारी लग गई है. You know what? I really hate to say this, but साहिर change हो गया है, बहुत ज़्यादा change हो गया है. And the funny part is, साहिर कभी किसी के लिए change नहीं होता, but वो change हुआ है तुम्हारे लिए. He loves you, Isha. He loves you, and not me. मुझे पता है कि वो लौट कर भी तुम्हारे पास ही आएगा, बचपन से जानते हो उसे. मीखा, लिसन, आई होप यू रियलाइज कि हम तुझे इतना हेट क्यों करते हैं. लाइक हमारी बेस्ट फ्रेंड की दुश्मन हमारी दुश्मन, राइट? दुश्मन, आई नो बहुत हैवी वर्ड है, लेकिन तू बिल्कुल फिट करती है, थी, करती थी. मेघा, नथिंग पर्सनल, ओके? नॉन टेकन. यू नो, आई एम रियली सॉरी फॉर माय ऑफुल बिहेवियर. तुम तीनों बहुत काइंड हो, तुम लोगों ने मुझे रहने दिया, एंड ऑल आई कैन से इज थैंक्स. एनीवेज, मैंने दूसरा स्टे मैनेज कर लिया, सो मुझे जाना होगा. मेघा, तुम जानती हो ना, तुम चाहो तो रुक सकती हो. अगर मैं रुकी ना, तो आई विल ट्राई टू ब्रेक योर फ्रेंडशिप अगेन. एक्चुअली यू नो, तुम तीनों को देखकर कोई भी लड़की जेलस हो सकती है. एंड ईशा, रिमेंबर वन थिंग, तुम्हारे पास हर वो चीज है जो एक लड़की चाहती है, अच्छे दोस्त, सच्चा प्यार. बस अपनी इन ट्रस्ट इश्यूज को अपनी लाइफ में बैरियर मत बनने देना. आई बी रियली सैड. ठीक है, ऑल द बेस्ट. इफ लव मीन्स इस तरीके की बीमारी, देन मैं हैप्पीली अपनी पूरी लाइफ बीमार रहने के लिए रेडी हूं. यही एक ऐसी सिकनेस है जो पॉजिटिविटी को फैलाती है, एंड आज इस पॉजिटिविटी की वजह से हमारा सिस्टरहुड ट्रू मीनिंग ऑफ गर्ल कोड समझ रहा था. लॉन्ग लिव अ गर्ल गैंग, लॉन्ग लिव अ गर्ल कोड.